रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट से भाजपा प्रमुख बलराज कुंडू ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के प्रत्याशी बलराज कुंडू सुंदरपुर समेत कई गांव में प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बलराज कुंडू का जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बलराज कुंडू ने कहा कि चुनाव में उन्हें लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान महम हल्के के मतदाताओं से बलराज कुंडू ने वादा किया है कि अब की बार महम से बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि इस बार बलराज कुंडू को विधायक बनाने का जनता ने मूड बना लिया है। आपको बता दें, पिछली बार भी महम के मतदाताओं ने बलराज कुंडू का साथ दिया था और विधायक बनाया था। एक बार फिर से बलराज कुंडू महम सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महम की जनता अपने बेटे और भाई को, जो उनकी जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है, उस जन सेवा पे मोहर लगाएंगे। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना होता है। अगर वो मेरी प्रशंसा करेगा तो विपक्ष कहाँ हुआ? वो विपक्ष के लोग, प्रतिद्वंदी लोग तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे ना। अगर वो मेरी प्रशंसा करेंगे, हाँ बलराज जी बहुत अच्छे आदमी है, ये काम कर दिया, वो काम कर, तो विपक्ष तो ना हुआ, तो फिर हमारे हो गए। विपक्ष का काम है इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी करना और जो है ना आखिर अपनी मस्ती में ऐसे चल गया। तो ऐसा है, ये सबको पता चल गया। जो ठेकेदार बनते थे ना, जो गांव में, मैंने गांव चार लोग गांव का ठेका ले लेते थे, हम चुनाव को जिता के भेजेंगे, वो प्रथा खत्म हो चुकी है। वो गांव को भेज कर अपनी जो ना मलाई खाने का काम करते थे, तो वो जो दौड़पोस जो गाँव के साथ हर गाँव में चार चार पाँच पाँच है, उनका जो है ना लोगों ने उनकी असलियत का पता चल चुका है। उनके साथ जो उनको ऐसा वो करेंगे, अब की बार को धोलकू नाम की जो ये चिड़िया खत्म हो जाए। वो मेरा प्यार है उनके प्रति, उनका दुलार है, उन बेटियों का, बहनों का, तो यही मेरी ताकत भी है ना।